गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों हमने लाफ टॉट्स की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इशेंशियल ऑफ टॉट। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इशेंशियल ऑफ टॉट क्या है। इशेंशियल ऑफ टॉट का मतलब क्या हुआ पहले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी को टॉट के लिए लाइबर करना है और आपने ये प्रूव करना है कि किसी ने टॉट कॉन्स्टिट्यूट किया है, टॉट किया है, तो आपको क्या क्या इशेंशियल चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। इशेंशियल ऑफ टॉट क्या है अर्थात फॉर द पर्पस टू कॉन्स्टिट्यूट टॉट व्हाट थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, व्हाट थिंग्स मस्ट बी प्रूव्ड फॉर द पर्पस टू कॉन्स्टिट्यूट टॉट। अगर टॉट को कॉन्स्टिट्यूट करना है तो टॉट के क्या क्या इशेंशियल हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज टॉट, मीनिंग ऑफ टॉट, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, वो सारा क्लियर हो गया आपको। लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ, बहुत कुछ हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इशेंशियल ऑफ टॉट क्या है। तो दोस्तों अगर इशेंशियल ऑफ टॉट की बात की जाए, तो मेनली टू इशेंशियल हैं टॉट के। देर आर मेनली टू इशेंशियल्स ऑफ टॉट अर्थात दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी किसी को टॉट के लिए लाइबल करने के लिए। अर्थात अगर आप किसी के अगेंस्ट टॉट का कोई केस डाल रहे हो, सिविल केस, तो दो चीज़ें इशेंशियल होनी चाहिए। मतलब कि आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि ये दो चीज़ें प्रेजेंट थी, और अगर दो में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो टॉट कॉन्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि टॉट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो अगर इशेंशियल ऑफ टॉट की बात की जाए तो जो पहला इशेंशियल है वो है देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। अर्थात इसकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या मतलब हुआ, आप लिख लो पहले। देयर मस्ट बी, जो पहला इशेंशियल वो लिखवा रहा हूँ, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। मैंने डिफेंडेंट क्यों लिखा आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको आप। देर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड मतलब प्लस, मतलब कि ये अकेले काफ़ी नहीं है, दूसरी भी प्रूफ होनी चाहिए। और दूसरी क्या है, देर मस्ट बी लीगल डैमेजेस टू प्लेंटिफ बिकॉज ऑफ सच एक्ट ओमिशन। ये दूसरा इशेंशियल है। तो ये दो इशेंशियल होने ही चाहिए अगर आपने किसी को टॉट के लिए लाइबल करना है तो। इफ यू वांट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट द एनी पर्सन अंडर लॉ ऑफ टॉट, टू इशेंशियल मस्ट बी प्रूव्ड। पहली बात तो आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी, अगर मान लो टॉट कब कॉन्स्टिट्यूट माना जाएगा, तब माना जाएगा जब डिफेंडेंट ने अर्थात जिसके अगेंस्ट केस किया गया है कोर्ट में, डिफेंडेंट होता है जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है, अर्थात डिफेंडेंट ने कोई एक्ट और ओमिशन किया था, डिफेंडेंट के पार्ट में कुछ एक्ट और ओमिशन था, और उस एक्ट और ओमिशन की वजह से जो प्लेंटिफ था अर्थात जो केस करने वाला था उसको लीगल डैमेजेस हुए। दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो टॉट कमिट हुआ है, तब टॉट कमिट हुआ है। पहली क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए कि एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, वो एक्ट और ओमिशन कौन करेगा, डिफेंडेंट, अर्थात जिसके अगेंस्ट आप केस कर रहे हो उसको डिफेंडेंट बोला जाएगा। तो उस डिफेंडेंट ने जिसके अगेंस्ट आप केस कर रहे हो कुछ एक्ट और ओमिशन किया हो, दूसरी बात उस एक्ट और ओमिशन करने की वजह से जो प्लेंटिव है, जो ये प्लेंटिव है उसको लीगल डैमेजेस होने चाहिए। ये दोनों बातें प्रूव होनी चाहिए। और नहीं लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है,
ये दोनों चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, तभी टोड कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू।